अपनी जिंदगी में इस आयत को अपनी जिंदगी का हिस्सेदार बनाएं। औलाद को कह रहा हूं, औलाद को सुन ले, जब देखे ना कि मां बाप के दिलों में थोड़ी सी कमी बेशी हो रही है, अमाल पे लग जाएं और इस दुआ पे लग जाएं और हिफाजत वाले अमाल पे लग जाएं। कयामत के दिन सबसे पहले सुन लें, कयामत के दिन सबसे पहले सुन लें, कयामत के दिन सबसे पहले सुन लें, कयामत के दिन सबसे पहले जो तराजू में चीज तुलेगी वो मियां बीवी का मामला है। और सुन लें कि सबसे पहला जो रिश्ता बना है वो खुद बना मियां बीवी का है, आदम और हव्वा। मां बाप का रिश्ता नहीं बना, बहन भाई का रिश्ता नहीं बना, पी भांजा भांजी खाला ये कोई रिश्ता नहीं बना। सबसे पहले जो रिश्ता बना है वो मियां बीवी का बना है, और सबसे शैतान का सबसे पहला जो वार है वो मियां बीवी पे होता है। लिख लो मेरी बात, ये औलाद को चाहिए, ये बहन भाइयों को चाहिए, ये अजीजों को चाहिए, जब देखें कि किसी बात पे बदगुमानियां होती, बदगुमानियां हैं, होते शक हैं, होते वसवसे हैं, कोई बात की बुनियाद नहीं होती, अगर घर के अंदर कोई तलखी या घर के अंदर कोई कमी बेशी हो रही है, फौरन अमाल पे, फौरन तस्बीहात पे और फौरन इस आयत पे, वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, लग जाएं, लग जाएं। जिंदगी में तलखियां बढ़ती चली जाएंगी। हाय हाय, मुझे एक दानिश्वर की बात, बड़े सियाने की बात याद आई, फिर कहा जिद्दें जब बढ़ जाती हैं, सुनना जरा गौर से, जिद्दें जब बढ़ जाती हैं फिर रिश्ते हार जाते हैं, जिद्दें जीत जाती हैं।